हिंदुस्तान के नक्शे में बात जब पश्चिमी राज्य की आती है तो चर्चा होती है गुजरात की, उस गुजरात की जिसका एक हिस्सा अरब सागर से घिरा हुआ है और इसी अरब सागर में एक खाड़ी है कच्छ की, जो सदियों से समुद्री रास्तों के लिए मसालों और नमक के व्यापार का बड़ा केंद्र रहा है। कच्छ की खाड़ी में तीन बड़े बंदरगाह हैं, पहला कांडला पोर्ट, दूसरा मांडवी और तीसरा जो इनमें सबसे बड़ा है वो है मुंद्रा पोर्ट। इसी मुंद्रा पोर्ट पर पिछले साल 16 सितंबर को करीब 3000 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ा गया था, जिसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए आकी गई थी। इस बड़ी ड्रग्स खेप के मामले में कुल 22 आरोपी हैं, जिनमें कई व्यक्ति हैं और कुछ कंपनियां भी हैं। इनमें जो सबसे बड़ा और चर्चित नाम है वो है हरप्रीत सिंह उर्फ कबीर तलवार, जो कि दिल्ली का रहने वाला है। 3000 किलोग्राम ड्रग्स के मामले में एनआईए ने पिछले साल दिल्ली निवासी हरप्रीत सिंह तलवार उर्फ कबीर तलवार और प्रिंस शर्मा को गिरफ्तार किया था। अब एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा दाखिल चार्जशीट से कबीर तलवार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ऐसा है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि दिल्ली में बैठा एक प्ले बॉय क्लब का मालिक कैसे विदेशों से देश में ड्रग्स का कारोबार कर रहा था। दायर चार्जशीट में एनआईए ने कई खुलासे किए। खुलासा नंबर 1, कबीर तलवार नई दिल्ली में कई तरह के बिजनेस चला रहा है, जैसे क्लब, रिटेल शोरूम और इंपोर्ट फर्म्स। इन फर्म को कबीर तलवार ने अपने कर्मचारियों, रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम पर खोला है, लेकिन ये सब पूरी तरह से कबीर तलवार ही संचालित करता है। खुलासा नंबर 2, कबीर तलवार अपनी कंपनियों के जरिए विदेशों से नकली पदार्थ बैन यानी प्रतिबंधित सामग्री मंगवाता था। इस काम को अंजाम देने के लिए कबीर तलवार को अच्छा खासा पैसा मिलता था। एनआईए ने इस तरह की दर्जन कंपनियों की पहचान कर जांच शुरू की तो पता चला इन कंपनियों में एमएस मैग्नेट भी शामिल थी और इस पर पहले से चार्जशीट दायर की गई थी। इस कंपनी का इस्तेमाल अफगानिस्तान से हेरोइन के आयात या निर्यात के लिए किया जाता था। खुलासा नंबर 3, पिछले साल 16 सितंबर को लगभग 3000 किलोग्राम की हेरोइन गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से मिली थी। ये हेरोइन की खेप ईरान से होते हुए अफगानिस्तान के जरिए भारत में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंची थी। सिंडिकेट के जरिए भारत में आतंक फैलाने की साजिश। एनआईए ने जब सभी कड़ियां जोड़कर इस केस की जांच शुरू की तो इसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ। जांच में पाया गया कि भारत में ड्रग्स के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए एक पूरा नेटवर्क बनाया गया था। इस ड्रग्स का सिरा खोजने के लिए एनआईए ने 24 अगस्त 2022 को दिल्ली, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल समेत कई जगहों पर छापेमारी की। एनआईए की इस कार्रवाई में हरप्रीत सिंह तलवार समेत इसी केस में दूसरे आरोपी प्रिंस शर्मा गिरफ्तार हुए। किन कंपनियों के जरिए भारत में फैलाया जा रहा था ड्रग्स का कारोबार? एनआईए की जांच में 7 ऐसी कंपनियों के नाम सामने आए जिसमें पता चला कि इन कंपनियों के जरिए भारत में ड्रग्स के धंधे का किया जाता था, जिनमें आशी ट्रेडिंग, जीसस क्राइस्ट इंपैक्ट्स, मैजेंट इंडिया, वीके एंटरप्राइजेस, व्योम फैशन, हसन हुसैन लिमिटेड, हबीब साहब टेल्क एंड मार्बल प्रोसेसिंग कंपनी। सातों कंपनियों में सबसे अहम कंपनी है हसन हुसैन लिमिटेड। एनआईए के मुताबिक हसन हुसैन लिमिटेड कंपनी के जरिए भारत में नवंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच हेरोइन की 5 खेपें भेजी गई थी। सितंबर 2022 में जब एनआईए ने दिल्ली से एक अफगान नागरिक रहमतुल्ला समेत 3 और लोगों को गिरफ्तार किया था, तब इस कंपनी के बारे में जानकारी सार्वजनिक हुई थी। हसन हुसैन लिमिटेड ने भारत में लगभग 3000 किलो हेरोइन भेजने के लिए भारतीय कंपनी आशी ट्रेडिंग का सहारा लिया था। कौन है क्लब टाइकून का मालिक कबीर तलवार? कबीर तलवार दिल्ली का रहने वाला है, जो ड्रग्स केस में मुख्य आरोपी है। जिस प्लेबॉय क्लब का मालिक है वो नाइट क्लब, रिजॉर्ट और मैगजीन की इंटरनेशनल चेन का हिस्सा है। कबीर ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक, तलवार ने चीन के आयात निर्यात मेले से बहुत पहले एक व्यवसाय के रूप में अपना करियर शुरू किया था। बाद में एचएस 2007 में इंपैक्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की थी। लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन होने की वजह से वो एक दशक के भीतर दुनिया की कुछ सबसे महंगी कारों का मालिक बन गया था। कबीर के पास 7 से ज्यादा क्लब हैं। 2016 में दिल्ली क्लब का अधिग्रहण और बन गया क्लब टाइकून का मालिक। 2012 में कबीर तलवार ने कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में शिफ्ट हो गया। 2013 में उसने 2 खुदरा दुकानों के साथ अपना खुद का ब्रांड टोट्स, गैलोर फुटवेयर और हैंडबैग लॉन्च किया और 2016 में उसने फिट फ्रेश फूड लॉन्च किया। यही से उसने फिट फ्रेश फूड के तहत RSVP, जज्बा और प्ले बॉय क्लब दिल्ली का अधिग्रहण कर क्लब टाइकून का मालिक बन गया।
हालांकि कबीर तलवार का विवादों से पुराना नाता रहा है। पिछले साल मार्च में उसे DRI ने मुंबई से 4.75 करोड़ रुपए मूल्य की गोडांग गरम सिगरेट की 21,60,000 छड़ियों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। बहरहाल NIA की जांच में ये भी पाया गया कि मुख्य आरोपी हरप्रीत सिंह तलवार उर्फ कबीर तलवार कई मौकों पर दुबई UAE गया और उसने भारत में हेरोइन की तस्करी के लिए भारत के कमर्शियल समुद्री तट का साजिशन फायदा उठाया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।